Hello everyone, in this video I am going to discuss about the topic biological classification. So let's start. First of all, what is classification? Classification is grouping of an organisms into different categories on the basis of their similarities and dissimilarities or their characters they possess. Okay. सो बहुत से साइंटिस्ट ने क्लासीफाई क्लासिफिकेशन करने के लिए मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए अटेम्प्ट किए थे, तो हम लोग सब साइंटिस्ट का एक एक करके भी डिस्कस करेंगे. तो पहला है एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके. एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टू किंगडम में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को. इन्होंने कहा था कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू किंगडम में डिवाइड होगा. पहला तो है प्लांट और दूसरा है एनिमल. पहला प्लांट किंगडम एंड दूसरा एनिमल किंगडम. मतलब इन्होंने जो देखा, इन्होंने देखा प्लांट है और एनिमल है, तो उन्होंने दो किंगडम में डिवाइड कर दिया. तो प्लांट के अंडर में आ जाएगा ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स में आ जाएगा RBC एंड WBC, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिसमें रेड ब्लड सेल्स है और जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है. तो इन्होंने इस तरीके से दो किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था. नेक्स्ट है लीनियस. लीनियस ने क्या किया था, इन्होंने भी दो किंगडम दिया था एरिस्टोटल के जैसा ही, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल. इन्होंने सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे डिवाइड किया था दो किंगडम में. तो लेकिन इसका ड्रॉबैक देखा गया था बहुत सारा, क्योंकि टू किंगडम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. तो जैसे कि ड्रॉबैक्स था, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट के भी कैरेक्टर शो करते थे और एनिमल्स के भी कैरेक्टर शो करते थे. ना वो प्लांट में मतलब दोनों ही कैरेक्टर शो करते थे, तो फिर वो ना प्लांट में रहे ना एनिमल में रहे, किस में डालेंगे. एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और एक था कि वो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी नहीं दिखा पा रहा था कि मतलब क्या कौन सा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था. और ना ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश, ये जो दोनों किंगडम था डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे. तो ये सब ड्रॉबैक्स थे जो ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का था. तो इस ड्रॉबैक्स को देखते हुए नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1886 में. इन्होंने क्या किया था, प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांट और एनिमल किंगडम तो था ही, इन्होंने और एक किंगडम इंक्लूड कर दिया था, डैट इज़ प्रोटिस्टा. मतलब प्लांट्स जो नहीं चल रहे वो प्लांट्स में डाल दिए. मतलब खाना खुद बना ले रहे लेकिन वो स्टेशनरी है तो वो प्लांट में हो गए. और एनिमल्स क्या हो गए, जो चलते फिरते जो मोटाइल है वो एनिमल में हो गए. और अदर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सारे प्रोटिस्टा में डाल दिए. मतलब जो समझ में नहीं आ रहे थे कि वो क्या है, तो वो सब मतलब जो नहीं समझ में आ रहा वो सब प्रोटिस्टा में डाल दिया गया. इन्होंने इस तरीके से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया था. देन इसका भी ड्रॉबैक्स था. इसका ड्रॉबैक्स क्या था कि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों एक ही किंगडम में भी डाल दिए जा रहे थे. जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर है और जो मल्टीसेलुलर है, दोनों ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में इंक्लूड हो गए थे. तो ये सब उस ड्रॉबैक्स थे ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के. तो फिर इसको देखते हुए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था 1956 में. इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये सब तीन किंगडम तो था, इन्होंने और एक किंगडम इंक्लूड कर दिया जो कि मोनेरा था. तो प्लांट में तो प्लांट आ गए, एनिमल्स में एनिमल्स आ गए, प्रोटिस्टा में जो अदर ऑर्गेनिज्म जो समझ में नहीं आ रहे थे वो आ गए, लेकिन यही प्रोटिस्टा में से जो अदर ऑर्गेनिजम्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे इसमें से हटा के बैक्टीरिया. मोनेरा में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया था वो मोनेरा में इंक्लूड कर दिया गया. तो फिर ये था फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कॉपलैंड ने दिया था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी एंड एनिमिलिया. पर ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ,
क्योंकि इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे प्रोटिस्टा में अभी भी, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो अदर ऑर्गेनिजम्स थे उसमें से तो कुछ निकाल के मोनेरा में डाल दिए गए, जैसे कि वो जो कि बैक्टीरिया थे, मगर अभी भी कुछ बचे थे प्रोटिस्टा में जो कि बहुत ही हेक्टिक हो जाता अगर हम लोग पढ़ते, एक ही प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे। तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया था आरएच विटेकर ने 1969 में। आरएच विटेकर, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये चारों किंगडम तो था ही, इन्होंने और एक किंगडम इंक्लूड कर दिया, डैट इज़ फंगाई। फंगाई क्योंकि ये कुछ अदर एकदम अलग ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था जो कि प्रोटिस्टा में अदर देन ऑर्गेनिजम्स में ही इंक्लूड था, तो इसमें से निकाल के इन्होंने एक फंगाई ग्रुप क्रिएट कर दिया। इन्होंने बहुत सारे कौन से बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ये सब हम डिटेल में भी आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और एक किंगडम दिया था जिसका नाम था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम, जिसे कार्ल रूस ने दिया था 1990 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली थ्री डोमेन्स दिया था, थ्री डोमेन्स में क्या था, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया। आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में तो प्रोकैरियोट्स हो गए, प्रोकैरियोट्स जो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, है ना। और यू कैरियो में क्या था, यू कैरियोट्स, इसमें सारे यू कैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और मोनेरा क्या था, मोनेरा भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन ये था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो ये एक आप याद रखिएगा क्वेश्चन। तो ये बेसिकली सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे जो वेरियस साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए थे, पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव था वो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। हम लोग इसी क्लासिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, मोनेरा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।